नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ये हमारा नहाने घर, ये हमारा कुआं और यहाँ नहाने वालों का भीड़ लगा ही रहता है। आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरी सोनल ननन, वो भी अभी नहाने के लिए आई है। और इधर मेरा बेटा अंशु, वो अंदर नहा रहा है। और ये सोनी इधर बाहर अपना बाल धो रही है, अभी नहाने के लिए आई है तो पहले अपना बाल धो रही है। दोस्तों हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पूरा सपोर्ट करिएगा। दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें। आज 4 दिसंबर आ गया है, अब क्योंकि ठंड भी चालू हो गया है तो ठंडे पानी में नहाने में भी बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग जाता है। और पानी गर्म करने के लिए इतना हमारे पास ईंधन नहीं है तो हम लोग ऐसे ही कुएं के ही पानी से नहा लेते हैं, बाल धो लेते हैं। और ये सोनी अपना ठंडे पानी से ही बाल धो रही है, शैम्पू लाई है, वाटिका शैम्पू, एक जो 1 रुपये का मिलता है उसी से सोनी अपना बाल धो रही है। ठंडी लग रहा है तो पानी गर्म काहे नहीं कर लेते हैं सोनी? कहाँ मिलत है पानी, गर्म कर लीजिए लकड़ी जला के। और आपके पति देव कहाँ गए हैं? हाँ, वो दाबी शहर ने गए हैं। दोस्तों अभी ये हमारा धान वान कटाई डोहाई मिसाई का काम चल रहा है तो सभी गांव के सभी लोग इस हमेशा अब इस वक्त व्यस्त ही रहते हैं। अभी काफ़ी लोगों का धान जो है कटा चुका है, कुछ लोगों का धान बचा है कटने के लिए, और जिनका कटा हुआ है वो लोग सब ढोहवा रहे हैं, अपने खलिहान में ला रहे हैं धान ढोह के। जिसके पास बजट है वो ट्रैक्टर वगैरह से धुवा लेते हैं, थ्रेसर से मिसवा लेते हैं, लेकिन हर किसी के पास इतना बजट नहीं रहता है तो वो खुद ही ले आते हैं। तो ये हमारी सोनी शैम्पू कर रही है, वाटिका शैम्पू, जिसमें धोने से बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों का नहीं है, है? दोनों का दोनों मग्घा हल्ले नहीं है, सब को ठारे का करिया बजे नहा था तो। सोनी कला ले लिया, सोनी कला नहीं लाने है तो तू सोनी ये बाबू भी उठ गया है, क्या कर रहा है बाबू? बाबू बाबू कैसा बाबू है रे। और इधर